स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला, है ना। तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है? एक ट्रायंगल है जिसका साइड्स है ए, बी और सी, है ना। कहने का मतलब एक ट्रायंगल का थ्री साइड्स दिया हुआ है और तीनों साइड्स अनइक्वल है। तो ट्रायंगल का एरिया, जब एक ट्रायंगल का तीनों साइड्स अनइक्वल होता है तो हम ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? हेरॉन्स फॉर्मूला से, है ना। तो हेरॉन्स फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। तो एस इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी क्या है? ट्रायंगल का पेरीमीटर, बाय टू करेंगे तो पेरीमीटर का आधा हो जाएगा, है ना। तो एस यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है। अब हम ट्रायंगल का एरिया हेरॉन्स के फॉर्मूला से जो निकाला जाता है उसको हम प्रूव करेंगे, है ना, कि ट्रायंगल का एरिया हेरॉन्स के फॉर्मूला से इतना कैसे होता है। इसके लिए हम एक ट्रायंगल लेंगे और ट्रायंगल का एक साइड बी सी ए लेट कर लेंगे, ए सी बी लेट कर लेंगे और ए बी सी लेट कर लेंगे, है ना। तो ट्रायंगल का तीनों साइड्स क्या सब है? एक साइड ए, एक साइड बी और एक साइड सी। अब हम ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं राइट ट्रायंगल ए डी बी में, है ना। तो पाइथागोरस से एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ एच परपेंडिकुलर है, एक्स बेस है और सी हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं राइट ट्रायंगल ए डी सी में। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस विद इन ब्रैकेट ए माइनस एक्स और उसका होल स्क्वायर। यहाँ एच परपेंडिकुलर है, ए माइनस एक्स है ना बेस है और ये बी क्या है? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब हम स्टूडेंट इसको एक्सपेंड करेंगे, है ना। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, है ना। इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। अब हम इसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे स्टूडेंट। ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। तो स्टूडेंट इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे और इसको इक्वेशन सेकेंड। अब तुम देखो दोनों इक्वेशन में एल एच एस में एच स्क्वायर है, तो दोनों इक्वेशन का एल एच एस इक्वल है, तो आर एच एस क्या होगा? इक्वल हो जाएगा।
तो हम दोनों इक्वेशन का RHS यहाँ इक्वल किए। अब -x² स्टूडेंट दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन में है और इज इक्वल टू के दोनों तरफ है और क्वांटिटी भी सेम है, दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये और ये दोनों x² कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा इज इक्वल टू के एक तरफ c² और दूसरे तरफ b² - a² + 2ax। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, b² को इस साइड लाएंगे, है ना, माइनस हो जाएगा, a² को भी इस साइड लाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 2ax इज इक्वल टू इतना आएगा। अब स्टूडेंट 2a को उस साइड ले जाएंगे, दूसरे तरफ शिफ्ट करेंगे, तो x कितना आएगा, इतना आएगा, 2a मल्टीप्लाई में है, उस तरफ शिफ्ट करेंगे डिवाइड में आएगा। अब x का ये वैल्यू हम पुट करेंगे किस में, इक्वेशन फर्स्ट में, है ना। तो यहां पर x के जगह x का ये वैल्यू पुट करेंगे तो h² इज इक्वल टू क्या होगा, c² माइनस, और यहाँ x के जगह इसको पुट करेंगे बट x² है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर दोनों के लिए है, ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी, तो हम स्क्वायर दोनों को दे करके अलग कर देंगे, जैसा कि मैंने अलग किया, है ना, ऊपर में भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर कर दिए, इतना आ गया। स्टूडेंट लास्ट रिजल्ट था ये, है ना, इन दोनों को माइनस करेंगे एलसीएम लेकर के, तो कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है, इन दोनों को एलसीएम लेकर के माइनस करेंगे इतना आएगा। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरफ इतना आएगा और दूसरे तरफ इतना आएगा। अब देखो स्टूडेंट इसको हम a² का फॉर्म बनाएंगे, इसका a² फॉर्म इतना आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे इतना आएगा, है ना, और ये b² के फॉर्म में है। कहने का मतलब है इसको a लेट करेंगे a² और इसको हम b लेट करेंगे तो b², है ना, तो होल a² - b² बनेगा, तो a² - b² a+b इंटू a - b होता है, तो a+b इंटू a - b, इसका साइन चेंज हो जाएगा, b ये बनेगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्यों, पीछे माइनस साइन है, तो a² - b² क्या होगा, a + b इंटू a - b, बी कितना है, इतना, तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, पीछे माइनस साइन है, साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट ये a² + b² + 2ab के फॉर्म में है, a+b का होल स्क्वायर होगा जहाँ b c है, और ये इसको देखो स्टूडेंट इन तीनों को हम क्या लिख सकते हैं, -a² - c² + 2ac। माइनस को हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर a² + c² - 2ac आएगा, है ना, ब्रैकेट के पीछे माइनस साइन है, अब ब्रैकेट के अंदर a² + c² - 2ac, तो क्या हो जाएगा, वो a - c का होल स्क्वायर बट ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होगा। अब देखो स्टूडेंट इसको तो अभी हम एज इट इज लिखे, और इसको हम लिख सकते हैं b² - a, अब हम यदि इसको a लेट करेंगे तो a² - b² बनेगा, तो फैक्टर हो जाएगा a+b इंटू a - b, फिर इसको b लेट करेंगे, सॉरी इसको a लेट करेंगे और इसको b लेट करेंगे तो फिर a² - b² बनेगा, फैक्टर होगा a a + b इंटू a - b,
बी कितना है ए माइनस सी, यहां साइन क्यों चेंज हो गया, पीछे माइनस साइन है। अब स्टूडेंट देखा जाए यहां एस इज इक्वल टू इतना होगा, एस क्या है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर बाय टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे स्टूडेंट इतना आता है। अब हम इसके दोनों तरफ 2a माइनस किए है ना, इस साइड भी 2a माइनस करेंगे और इस साइड भी 2a माइनस करेंगे, इतना आएगा स्टूडेंट, कितना आएगा इतना आएगा। अब हम इसके दोनों तरफ 2b माइनस करेंगे, इधर मैंने इसमें मैंने क्या किया दोनों तरफ 2a माइनस किया, अब मैं इसके दोनों तरफ 2b माइनस करूंगा स्टूडेंट, उसके दोनों तरफ 2b है ना, तो कितना आता है इतना आता है। अब हम इसके दोनों तरफ 2c माइनस करेंगे तो स्टूडेंट दोनों तरफ 2c माइनस करेंगे इतना आता है ना। अब हम क्या करेंगे तो इसमें पुट करेंगे a प्लस बी प्लस सी कितना है a प्लस बी प्लस सी 2s, यहां पर 2s आ जाएगा स्टूडेंट, यहां पर 2s आ गया ठीक है। अब देखो a प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 2s माइनस 2b, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2s माइनस 2b है ना। अब देखिए b प्लस ए माइनस सी, b प्लस ए माइनस सी कहां पर है, b प्लस ए माइनस सी इज इक्वल टू 2s माइनस 2c, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2s माइनस 2c। अब b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए यहां देखो b प्लस सी माइनस ए है, तो b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 2s माइनस 2a, तो यहां पर 2s माइनस 2a है ना, तो ये कितना है 2s माइनस 2a, फिर ये कितना है 2s माइनस 2b और ये कितना है 2s माइनस 2c, तो उसको हम पुट करेंगे इन तीनों के जगह और ये कितना है 2s, तो यहाँ पर 2s लिखेंगे और LHS में क्या है 4a स्क्वायर h स्क्वायर, तो इतना आता है ना। अब देखो इससे 2 कॉमन आएगा, इससे भी 2 कॉमन आएगा, फिर इससे भी 2 कॉमन आएगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यहां 16 आ जाएगा ठीक है स्टूडेंट, इतना आएगा। 16 को हम इस साइड लाएंगे तो 16 डिवाइड में आएगा, तो 4 4 जा 16, तो LHS में इतना और RHS में इतना। अब स्टूडेंट इसको हम स्क्वायर में लिखेंगे तो AH बाय 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे इतना आता है ना स्टूडेंट। अब देखो और RHS में ये एज इट इज रहेगा, स्क्वायर हटाएंगे इस साइड रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या बचेगा ए एच बाई टू और उस साइड क्या लग जाएगा रूट। अब हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू ए इंटू एच है ना, यहाँ ए क्या है ट्रेंगल का बेस है और एच क्या है ट्रेंगल का हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होगा ट्रेंगल का एरिया, तो ट्रेंगल का एरिया इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके स्टूडेंट्स, तो हेरोंस का फॉर्मूला इस तरह से प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स थैंक्स।